सबका स्वागत हो रहा है वीडियो में। सबसे पहले हम बात करने वाले लक्ष्मीकांत कट्टीमणि के बारे में। तो आपको पता होगा कि उनको एक फेस इंजरी हुआ था एंड इंजरी काफी ज्यादा सीरियस था एंड इसी के वजह से उनके फेस इंजरी जो हुआ था इसी के वजह से अभी उनको प्रॉपर सर्जरी के अंडर जाना होगा एंड काफी लंबे टाइम के लिए लक्ष्मीकांत कट्टीमणि फिर से बाहर हो चुके हैं, जो कि काफी एक सैड बात है। अभी लाइक उन्होंने रिकवर किया था इसल इंजरी से, फिर से उनको एक ऐसे फेस इंजरी, एक सीरियस फेस इंजरी हुआ है, जो कि बिल्कुल भी लाइक अच्छा बात नहीं है एज अ प्लेयर उनके लिए, बट हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द रिकवर कर जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टीफन कॉन्स्टेंटिन के बारे में। तो काफी लाइक मजेदार चीज हुआ है, तो मैंने थोड़ा शेयर कर ही देता आप लोगों के साथ। ऑल्दो प्रॉपर न्यूज है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग सा चीज हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा कि स्टीफन कॉन्स्टेंटिन, जो कि इंडिया के फॉर्मर हेड कोच हैं, करेंटली वो पाकिस्तान के नेशनल टीम के हेड कोच है। तो उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान का जो पूरा लाइक विजिट किया था उन्होंने, कि फुटबॉल स्ट्रक्चर कैसा है, किस हिसाब से प्लानिंग करेंगे, एंड देख के वो इतना ज्यादा लाइक मंत्रमुग्ध हो गए, या फिर लाइक यू नो देख के उनको यकीन ही नहीं हुआ कि यार ये इतना लाइक टॉप क्लास फैसिलिटीज है पाकिस्तान के पास। इसी की वजह से उन्होंने रिटर्न टिकट का डिमांड किया कि मुझसे नहीं होने वाला, माफ करो मुझे, मैं घर जा रहा हूँ, आप कोई दूसरा देख लो, जो पैसा दिया वापस ले लो। ऑल्दो अभी तक पाकिस्तान ने कोई ऐसे स्टीफन कॉन्स्टेंटिन को पैसा दिया नहीं है, लगता तो नहीं है कि दिया होगा, क्योंकि लाइक पाकिस्तान फेडरेशन का हालत बहुत खराब है। वो लोग लाइक ऐसा फेडरेशन है जो कि फीफा का पैसा ऐसे वो लोग खा लेंगे, बट मैनेजमेंट को लाइक यू नो कोचेस को पैसा वो लोग कम ही देते, प्लेयर्स को भी सैलरी नहीं देता, भी एलिगेशन काफी बार लगाए, ऑल्दो वो लोग दबा देते हैं चीजों को। खैर वो काफी अलग बात है। हाँ लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर देख के स्टीफन कॉन्स्टेंटिन इतने शॉक टेक, उन्होंने बोला कि मुझे रिटर्न टिकट चाहिए, मतलब उनको बस घर जाना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, चाहे वो एक साल और बैठ जाए, कोचिंग ना करवाए, कोई असिस्टेंट कोच बन जाए, एज अ फिजियो भी काम कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के हेड कोच नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एज अ कंट्री भी उनके कंट्री में प्रॉपर लीग नहीं है, प्लेयर्स जो भी प्लेयर्स है वो भी बाहर की कंट्रीज में ज्यादा खेलते हैं, चाहे वो फिफ्थ डिवीजन हो, सिक्स डिवीजन हो, सेवेंथ डिवीजन तक में खेलते हैं। सो लाइक यही पूरा इंसिडेंट हुआ है। तो स्टीफन कॉन्स्टेंटिन वो वापस आना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं, अभी हेड कोच बनना नहीं चाहते, और क्योंकि लाइक जब उनको लाया गया था तब शायद कुछ काफी ऐसे बड़े बड़े वादे किए गए थे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर ने देख लिया एंड उनको लग गया कि नहीं इसका कुछ नहीं हो सकता ज्यादा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरा भी स्ट्रेटेजी इसमें काम नहीं आएगा। सो हाँ यही था पूरा इंसिडेंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते मेलो मार्कस रोका के बारे में। तो काफी बढ़िया चीज हुआ है, लाइक एज अ कोच, एज अ मैनेजर, हम लोग ये चीज काफी कम मैनेजर्स या कम कोचेस के अंदर देखते हैं कि उन्होंने सामने से आके बोला है कि ऑल्दो एफसीगो ने अपना पहला मैच जीता है, लेकिन मेलो मार्कस रोका ने बोला कि वो टीम के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, क्योंकि टीम एज अ टीम अच्छा नहीं खेल रहा है उनके हिसाब से। ऑल्दो मुझे ठीक ठाक लगा था पहला मैच के हिसाब से, बट उन्होंने खुद बोला कि हाँ प्रॉब्लम्स है टीम के अंदर, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल में तो प्लेयर्स है गोवा के पास, लेकिन वो एंड मोमेंट है, स्पेसिफिकली जो थर्ड लाइक यू नो थर्ड एंड जो फाइनल एंड होता है, लास्ट के 15-20 मिनट में गोवा का रिदम टूट गया एंड वो फोकस नहीं दे पा रहे थे प्लेयर्स। तो उन्होंने इस चीज को खुद आके पॉइंट आउट किया कि वो बिल्कुल लाइक खुश नहीं है इस परफॉर्मेंस से और वो बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं। तो ये दिखा है कि यार वो खुद भी समझते कि हाँ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, पब्लिकली बोलना ही अपने आप इसके लिए बहुत गट्स चाहिए होता है कि आप पब्लिकली आके बोलो कि हाँ मैं अपनी टीम के परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूं। ऑल्दो उन्होंने मैच जीता है पहला, फिर भी ये स्टेटमेंट देने दर्शाता है कि गोवा इस बार बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है, या फिर एक दो जीत से भी वो खुश नहीं होने वाले, दे आर लिटरली टारगेटिंग फॉर द शील्ड, एंड ये एटीट्यूड, ये बिहेवियर बहुत अच्छा लगा मेलो मार्कस रोका का। सो देखते हैं कि बाकी मैचेस में किस हिसाब से वॉर चेंजेस और क्या इंप्रूवमेंट वो करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूएफए चैंपियंस लीग के बारे में। तो यूएफए चैंपियंस लीग में आज तीन काफी बड़े मैचेस हैं। पहला मैच है रेड बुल लिप्ज़िग वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। तो लिप्ज़िग भी काफी सॉलिड टीम है, सिटी तो लाइक डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो सिटी का भी लास्ट दो मैचेस से परफॉर्मेंस तो अच्छा से चल नहीं रहा है, क्योंकि लास्ट प्रीमियर लीग में उन्होंने मैच हारा है, लीग कप ऑलरेडी वो बाहर हो चुके, हार चुके, सो सिटी का भी उतना अच्छा फॉर्म चल नहीं रहा है, लेकिन चैंपियंस लीग है, पेप गार्डियोला भरोसा है कि अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। एंड ये मैच 12:30 बजे, वैसे तीनों ही मैचेस 12:30 बजे ही है। दूसरे मैच बात कर ले जो है न्यूकासल वर्सेस पीएसजी, सऊदी मतलब ऐसे मिडिल ईस्ट का पैसा, मैं सऊदी का नहीं बोलूंगा, मिडिल ईस्ट का पैसा, तेल का पैसा हम लोग देखने वाले इस मैच में पूरा एकदम फ्लेक्स होते हुए। ऑल्दो पीएसजी का टीम का क्वालिटी बेटर है, लेकिन कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है टीम के अंदर, वहां पे न्यूकासल एक सॉलिड टीम है, काफी हद तक सेटल डाउन टीम भी है, तो मैं इस मैच के लिए न्यूकासल को थोड़ा सा आगे रखूंगा।
लास्ट एंड फाइनल मैच है एफसी पोर्टो वर्सेस बार्सिलोना। ऑल्दो बार्सिलोना का पूरा ग्रुप ही काफी इजी है, लेकिन पोर्टो एक स्ट्रॉन्ग टीम है, पोर्टो कुछ भी कर सकता है चैंपियंस लीग में, पोर्टो को बिल्कुल भी हल्के में लेना चाहिए चैंपियंस लीग में। और बार्सिलोना तो खैर ही अच्छा टीम, परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा है, तो ये मैच भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इन तीनों मैचेस को लेकर आपके क्या प्रेडिक्शन है आप कमेंट कर मुझे जरूर बताना। सो गाइस दिस वाज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद को लाइक करना, शेयर करो दोस्तों में, एंड अगर शेयर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बेल आइकन दबाना ताकि मैं जब भी अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मैं लगने के साथ तब तक के लिए बाय।